कभी गए हैं फिल्म सिटी के अंदर? हम लोग को रोज जाना होता है। सलाम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल दोस्तों अभी मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर हूं। जैसा देखिए दोस्तों सामने की तरफ आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं गोरेगांव का, इधर जस्ट बगल में दोस्तों बस स्टैंड है। और फिलहाल दोस्तों आज मैं चलने वाला हूं फिल्म सिटी के जस्ट बगल की झोपड़पट्टी में, और वहाँ पे हम दोस्तों वहाँ पे झोपड़पट्टियों का रूम दिखाने वाले हैं, और कोशिश करेंगे दोस्तों हम ये भी आपको दिखा पाएं कि झोपड़े में वहाँ पे रूम रेंट वगैरह कितना रहता है, वहाँ पे रूम भाड़ा कितने, मतलब लोग ये कि रहते हैं जस्ट फिल्म सिटी के बगल में। जैसे कि फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी की दीवार है, और फिल्म सिटी की दीवार के बगल में दोस्तों बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, और शायद उस झोपड़पट्टी का नाम दोस्तों संतोष नगर है। और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पूरा बस स्टैंड है, हम कोशिश करेंगे कोई बस यहाँ पर हमें मिल जाए, और किसी से पूछना पड़ेगा कि संतोष नगर का बस कौन सा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे आके बैठ गया हूँ। ये पूरा संतोष नगर का बस स्टॉप है, और यहीं पे अभी हमारी बस आने वाली है। भाई ने बस नंबर तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि बस पे लिखा रहेगा संतोष नगर। मेरे हिसाब से दोस्तों जगह मुझे वही लास्ट स्टॉप है, मुंबई में था ये। देखो भाई, वोट वोट डाल के आ गया भाई, रोड दे दिया भाई, अपने पास तो है भी नहीं भाई, अपन यूपी वाला है, उधर ही वोट देना रहता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमको बस मिल गई है। बाकी यार गोरेगांव में भी यार डेवलपमेंट देखिए किस तरह से, बिल्डिंग वगैरह है इतनी शानदार है। बाकी रोडों की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। एक तरफ से बिल्डिंगें देखेंगे दोस्तों काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बाकी फिलहाल अभी हम इस तरह से बस में बैठे हैं। मैं हूँ इधर, हो गया हमारे अशफाक भाई। और एक चीज़ और भी जो है अशफाक भाई, आपने यहाँ पे नोटिस किया बसों में सिर्फ पाँच रुपये किराया। और कितना किलोमीटर से भाई आपने चेक किया? 5.5 किलोमीटर है, 5.5। एक किलोमीटर का 1 रुपये यार, गजब की बात है, इतना सस्ता मुंबई में यार ट्रैवलिंग वाकई ही काफ़ी सस्ता है। ओ भाई ये देख सकते हैं गोरेगांव का ओपरा है, मालिक वाकई काफ़ी शानदार है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं घूमते हुए जस्ट अभी ये फिल्म सिटी के थीम पार्क के पास आ गया हूँ। ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे टिकट काउंटर है, 1100 रुपये है अंदर जाने का। फॉरेनर का दोस्तों करीबन 3100 के आसपास है ये प्राइस ना भाई, काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, पंखा वगैरह बढ़िया लगा रखा है, गर्मी इतनी है यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ। बाकी इधर ऊपर की तरफ देखेंगे बड़े सेलिब्रिटी हो लोगों का, तो ये फोटो वगैरह लगी हुई है जहाँ वो यहाँ पे मूवी वगैरह की शूटिंग हुई है। सलमान खान साहब हैं, शाहरुख खान जी हैं, आमिर खान जी हैं, काजोल जी हैं, और भी कई सारे एक्टर हैं दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी आप भी पहचान लेना। तो फिल्म सिटी का दोस्तों वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया ही है, अगर आप चाहते हैं कि फिल्म सिटी का अंदर का माहौल देखें तो दोस्तों मैं आई लिंक पर वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मैं फिल्म सिटी के अंदर का शूट किया हूँ। किराया दोस्तों बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं पक्का आज भी चलता, अब यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा कोई। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं जो मेरा मेन मकसद था कि जो फिल्म सिटी है इसके आसपास के झोपड़े को दिखाने का मेरा मेन मकसद था, और यहाँ पे रूम रेंट वगैरह क्या मिलता वो दिखाने का मकसद था। अगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी में काम करने वाला बंदा मिल जाए, उससे बातचीत करके उसकी ज़िंदगी को दिखाने का मकसद था, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया। एक फिल्म सिटी के जस्ट पास में सामने दोस्तों गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हो। अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे दोस्तों, जस्ट फिल्म सिटी के आसपास बहुत सारे झोपड़े बने हुए हैं जहाँ पे दोस्तों हम जैसे लाखों गरीब लोग अपने ज़िंदगी का गुजारा बसारा करते हैं, उनके झुग्गियों में चलेंगे और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिल्म सिटी के आसपास रहते हैं तो आपको कुछ काम मिलता भी है यहाँ पे या कि नहीं, अगर काम मिलता है तो क्या प्रोसीजर है हमको भी बता दो, और जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी बता दो, शायद हो सकता है कोई भाई को जॉब चाहे तो उसको भी फ़ायदा हो जाए। बस एक छोटा सा दोस्तों मकसद है, अभी हम फाइनली यहाँ से बाहर चलते हैं। बाकी यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है, सामने कैंटीन है, इधर से टिकट काउंटर है, बाकी चारों तरफ से फिल्म सितारों की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। इधर ये बस है, बस पे ये मैडम जो है ये गाइड करते हुए टूरिस्ट को बताती हैं कि कहाँ पे किस तरह की शूटिंग्स वगैरह होते हैं। दोस्तों ये सामने की तरफ आप देखेंगे ये हमारा फिल्म सिटी का एंट्री गेट है, हमें दोस्तों यहाँ से अंदर की तरफ जाना होता है। ये वो वेटिंग हॉल था जहाँ पे आप बॉलीवुड पार्क में जाके, मतलब बोले तो दोस्तों फिल्म सिटी के अंदर जाके वहाँ का माहौल देख सकते थे। बाकी ये दोस्तों वो बसें हैं जो बस आपको अंदर ले जाएगी और आपको पूरा फिल्म सिटी घुमाएगी। यहाँ पे इस तरह से एक बस यहाँ पे जगी, एक बस यहाँ पे जगी, और 3-4 बसें अंदर की तरफ गई हुई हैं। और फाइनली दोस्तों इधर ही फिल्म सिटी के जस्ट आप अगर बगल में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी
झुग्गियाँ बस्तियाँ वगैरह भी दोस्तों आपको इधर से साइड साइड देखने को मिल जाएंगे। अभी जस्ट मैं नीचे उतर के यहाँ पे आया हुआ था, इधर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, एक सर ये हैं, आपका नाम क्या है भाई? रंजीत भाई हैं, स्कूटी पे बैठ के इस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। और एक सर इधर है, क्या नाम है जनाब आपका? करण भाई हैं और ये रंजीत भाई हैं। तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे तो उन्होंने, जैसा कि आपको पता है फिल्म सिटी का 1100 रुपये है, तो इन्होंने मुझे कुछ आइडिया सजेस्ट किया कि भाई यहीं पे एक बगल में छोटा कश्मीर है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे घूमो, वहाँ पे भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त करोगे। तो मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं। रंजीत भाई इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रंजीत भाई अभी हम जिस एरिया में, इस एरिया का क्या नाम है? माई नगर है क्या? अच्छा ये जो पूरा ये एरिया है माई नगर है, माई नगर 31 नंबर में है। और अभी दोस्तों हम इसी रास्ते से होते हुए छोटा कश्मीर की तरफ चलेंगे। बाकी आप कभी गए हैं फिल्म सिटी के अंदर? हम लोग को रोज जाना होता है। रोज जाते हैं आप लोगों को? टिकट वगैरह नहीं जाना पड़ता ना, आप लोग तो यहाँ के पास लोग बारिश में ज्यादा जाते हैं। बारिश में क्या करने आप लोग जाते हैं? झरने पे जाते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा झरने वगैरह में जाते हैं, तैरने वगैरह के लिए ना। वाह क्या बात है यार। बाकी अच्छा इधर जो ये रूम वगैरह है, अगर किसी को भाड़े वगैरह पे चाहिए जो जैसे फिल्म में काम वगैरह करना चाहता है, तो कितने में भाड़े मिल जाएगा इधर रूम वगैरह? 4-5 हज़ार रुपये भाड़ा। 4-5 हज़ार रुपये। और डिपॉजिट वगैरह कितना रहता है? 10,000-20,000 तक। 10,000-20,000 रुपये तक नॉर्मली मिल जाता है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, आप फिल्म सिटी के इतने पास में रहते हैं, कभी किसी एक्टर वगैरह से इसे फेस टू फेस मुलाकात हुई है? ये क्या इधर ही होता है, ये अभी लगाया बैरिगेट। हाँ हाँ उधर ही शूटिंग रहता है। उधर ही रहता है वो RR मूवी आया था। हाँ 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 इधर ही शूटिंग हुआ था गाने का। अच्छा RR का इधर ही शूटिंग हुआ था। और बाकी और किसी बड़े से अक्षय कुमार, मिथुन या सलमान खान, शाहरुख खान, इन सभी से कभी मुलाकात हुई है क्या? कभी मुलाकात हुआ है? जैसे मुलाकात मतलब अभी इधर ही रहते हैं ना, तो ऐसा हम लोग ज्यादा जाते नहीं देखने के। हाँ हाँ अभी कैसा रहता है, अभी नजदीक रहता है, हम लोग अभी इधर से जू जाते हैं समझो। हाँ। चर्च गेट दूर दूर जाते हैं वो, उधर जाते हैं तो अपने को कैसा, ये नजदीक है इसलिए कुछ हम लोग को मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट। सही बात, वही कहते हैं ना जिसके पास जो चीज रहती है ना दोस्तों उसकी उसकी कदर नहीं रहती। बताओ हम जो कुरजा से घूमते हुए आए हैं स्पेशली फिल्म सिटी देखने के लिए, और भाई साहब फिल्म सिटी के जस्ट बगल में यहाँ पे इनका घर है और यहीं पे रहते हैं और इनको यहाँ पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये कहावत कहीं ना कहीं फैक्ट है, चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज क्यों ना हो, अगर आपके पड़ोस में है या आपके पास में, उसकी थोड़ी सी इज्जत या कदर कम रहती है। क्या कहता हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं सही। तो अभी फिलहाल दोस्तों अभी मैं चलता हूँ इस तरह से अंदर होते हुए। भाई हैं आप, क्या करते हैं भाई? काम पे जाते हैं। क्या काम करते हैं? अच्छा अभी पबजी में भाई काफी बिजी कर रहा हूँ। वाह आप बिजी रहिए फिर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर से। तो अमूमन कितना दूर होगा ये छोटा कश्मीर? 1 किलोमीटर। बाकी ऐसे अंदर ही अंदर जा सकते हैं। ये पूरी फिल्म सिटी की बस्तियां हैं जो फिल्म सिटी के आसपास में दोस्तों इस तरह से पूरे झोपड़े वगैरह बने हुए हैं। और हमें जाना है, किसी से पूछना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे यार इस तरह से कुआं वगैरह है। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह से फिल्म सिटी के आसपास लोगों के घर वगैरह हैं। सामने की तरफ एक कुत्ता है, थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन जा। क्या हुआ था भाई? आगे से राइट है। तो भाई साहब बता रहे थे इधर से, यार अशफाक भाई यार काफी मतलब बड़ा है ना ये? बाहर से देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 2-4 घर है। हाँ यार काफी बड़ा है ये पूरा फिल्म सिटी के आसपास की कुछ झोपड़ियाँ वगैरह हैं दोस्तों, ठीक ठाक कंडीशन में लोगों के घर हैं। रोडे वगैरह दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चौड़ी है। फिल्म सिटी में काम करने वाले बहुत सारे लोग दोस्तों इस एरिए में रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसी तरह से यहाँ के पतली गलियों से होते हुए ये पूरा फिल्म सिटी की बगल की झोपड़पट्टियों को देखते हुए आगे की तरफ अभी बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। एक जगह कोई करके है छोटा कश्मीर के लिए, और मेरे हिसाब से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ेगा। गर्मी तो फिलहाल दोस्तों अभी काफ़ी चरम पे है और आगे की तरफ रोड वगैरह भी है। मुझे लग रहा है दोस्तों हम शायद काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं उस जगह के। तो इसी तरह से दोस्तों ये पूरा मैं आपको माहौल दिखा रहा था कि फिल्म सिटी के किनारे की इस तरह से दोस्तों आपको झोपड़ियां वगैरह देखने को मिलेंगी। जस्ट दोस्तों ये सारी जगह जो आप झोपड़े वगैरह देख रहे हैं पूरा फिल्म सिटी के आसपास का ये एरिया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम इस तरह से छोटे कश्मीर में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी दादी जी बैठी हैं और ये कश्मीर के अंदर का कुछ इस तरह से व्यू है। जैसे ही आप इंटर करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से रोड है और किनारे किनारे से मेरे हिसाब से इसको कैक्टस या नागफनी कुछ तो कहते हैं। अगर आपको पता हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा इस पेड़ का नाम क्या है, मुझे तो फिलहाल इसके बारे में नहीं पता है।
अभी फिलहाल दोस्तों हम और अंदर चलते हैं और इस छोटे कश्मीर का आपको पूरा माहौल वगैरह दिखाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम छोटे कश्मीर के इस तरह से अंदर आ गए हैं। छोटे कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप मेरी भावनाओं को समझो, यहाँ पे किस तरह के काम होते हैं। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे आपको कपल्स ही दिखेंगे और इस तरह से पूरी जंगल झाड़ियाँ हैं, काफ़ी अंदर अंदर तक है, मतलब इससे बीच में कुछ ऊँची स्थान है और सामने की तरफ देखिए कुछ इस तरह से बैठने उठने का आपको जगह मिलेगा, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। बाकी चारों तरफ से आपको इस तरह से ढलान मिलेगा, आप नीचे जाके कपल के साथ आप कहीं पर भी पॉइंट पर बैठ के अपना जो भी करना कर सकते हैं। बाकी मैं अभी थोड़ा सा और अंदर घूमूंगा तो आपको यहाँ का थोड़ा बहुत और माहौल दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी जगह ठीक है, अगर आप कभी नहीं आए हैं, छोटा कश्मीर नहीं गए हैं, तो एक बार आके आप छोटा कश्मीर देख सकते हैं। पूरा चारों तरफ से आपको ना भयंकर तरीके से ना जंगल झाड़ियों का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा और गर्मी के मौसम में भी भाई साहब यहाँ पर आप ठंडी वाली फीलिंग ले सकते हैं। और अभी मैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से थोड़ा बैठा हूँ कि थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर और अंदर का कुछ और थोड़ा मोड़ा जो भी हो सकता है दोस्तों मैं व्यू दिखाने के बाद वापस से दोस्तों फिल्म सिटी की तरफ चलूँगा, वहाँ का ही माहौल दिखाने है, वहाँ का ही माहौल आपको दिखाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि आज अपने को फिल्म सिटी के आसपास की जो झुग्गी एंड बस्तियाँ हैं उसके बारे में ये वीडियो है। आज दोस्तों अभी हम यहाँ पर फिल्म सिटी से इधर से पीनीचे की तरफ से होते हुए गए थे छोटा कश्मीर, एक पार्क है, पार्क दोस्तों काफ़ी बढ़िया था। और बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं अंदर चलूँगा, अंदर का एरिया एक्सप्लोर करूँगा। यहीं जस्ट फिल्म सिटी के बगल में दोस्तों बहुत सारी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी अंदर से दिखाते हुए भी गया था। बाकी यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों इस तरह से बहुत सारी झुग्गियाँ बस्तियाँ बसी हुई हैं। अगर आप इधर हमारे पीछे की तरफ देख रहे होंगे पूरा दोस्तों इधर झोपड़े ही झोपड़े चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फिल्म वर्कर भी दोस्तों इस झोपड़े के आसपास रहते हैं, यहाँ पे कई लोगों का घर है। अभी फिलहाल दोस्तों मुझे कोई मिला नहीं जो यहाँ पे रहता हो और हमें बता सके यहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में, तो इस वजह से मेरी किसी से बातचीत तो फिलहाल नहीं हो पाई है। बाकी ये देखेंगे दोस्तों ये बस फिल्म सिटी के अंदर जाती है जो आपको पूरा बेहतरीन तरीके से टूर करवाती है। देखेंगे यहाँ पे शाहरुख खान जी हैं, जॉन अब्राहम जी हैं, वहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं और ऐसे ऐसे पुरानी मूवी नई मूवियाँ बहुत सारी मूवियों की शूटिंग इसके अंदर होती हैं। ये इस तरह की शानदार बस होती है, जैसा कि आपको पता है 1100 रुपये चार्जेस होते हैं। बाकी यहाँ झोपड़पट्टी के बच्चे वगैरह भी दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर फिल्म सिटी के आसपास खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो झोपड़ा बना के दोस्तों फिल्म सिटी के अंदर भी रहते हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत किया तो वो बताने लग गया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों अंदर की तरफ रहते हैं, वो वहीं पे अपना काम वगैरह भी करते हैं और उनका घर भी अंदर है, क्योंकि ये फिल्म सिटी छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। और ये पूरा मतलब एक तरह से देखा जाए ना पहाड़ है, छोटी सी पहाड़ी है, उसके आसपास ये सारा बसावट है, मतलब पूरा एकदम जंगल वाला यहाँ का अंदर का माहौल था। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों मैंने आज आपको मुंबई फिल्म सिटी के आसपास के इस तरह से झोपड़े दिखाए और यहाँ के रेंट वगैरह के बारे में बताया। अमूमन यहाँ का जो भाड़ा वगैरह था करीबन 2500 से 3000 या 5000 के बीच में रहता है वो। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसी फिल्म सिटी के आसपास घूम रहा था, जस्ट सामने की तरफ फिल्म सिटी है, यहाँ पे एक भाई साहब की छोटी सी दुकान है। क्या नाम है भाई आपका? समीर भाई। अच्छा समीर भाई हैं। तो इस तरफ यहाँ पे आप आके बाहर कुछ चाय पानी लेके पानी वगैरह लेके अंदर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी चाय वगैरह भी मिलता है समीर भाई? यहाँ पे चाय वगैरह भी रखते हैं क्या? अच्छा सामने है क्या? अच्छा शाम को मिलता है, ओके सॉरी यार मुझे जगह सामने मिलता है, तो ठीक है। और अभी दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो छोटा सा माहौल मैंने दोस्तों इस तरह से फिल्म सिटी के आसपास आपको दिखाने की कोशिश किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।